मधवापुर एसएसबी और कस्टम विभाग के अधिकारियों की मनमानी कार्रवाई से नाराज व्यवसायियों ने रविवार को मधवापुर बाजार बंद कर दिया, जो लगातार सोमवार तक जारी रहा। आक्रोशित व्यवसायी बाजार के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान को बंद कर आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। विदित हो कि रविवार को एसएसबी और कस्टम विभाग के अधिकारी में प्रखंड कार्यालय गेट के पास प्याज लदी एक 10 चक्का ट्रक को गलत बिल बताकर जब्त कर कस्टम विभाग के हवाले कर दिया। इससे गुस्साए मधवापुर के व्यवसायी आक्रोशित होकर एसएसबी के खिलाफ बाजार बंद कर दिया। इसके बाद सभी व्यवसायी बाबा पंचेश्वर नाथ महादेव मंदिर पर बैठक की, जिसमें एसएसबी के द्वारा बार बार व्यवसायी व आम नागरिकों को गलत कागज बताकर प्रताड़ित करने को मामले को गंभीरता से लेते हुए बीडीओ मधवापुर को एक आवेदन देकर प्रखंड कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। व्यवसायी पीताम्बर मिश्र, प्रदीप महतो, ललन प्रसाद, संतोष कुमार समेत कई लोगों ने कहा कि एसएसबी का काम सीमा सुरक्षा है, न कि व्यवसायियों को प्रताड़ित करना है। एसएसबी मनमानी तरीके से यहां के व्यवसायियों को प्रताड़ित करते हैं। सीमा पर तैनात रहने के बावजूद अपराधी गांव में प्रवेश कर भीषण डकैती को अंजाम देता है। एसएसबी की मनमानी से यहां के व्यवसायी परेशान है। बाजार क्यों बंद है? सभी को पता है एसएसबी के कारण बंद है। क्या धांधली करता है ना, जैसे गाड़ी वगैरह आता है और इसका ड्यूटी वगैरह क्लिक चेक करवाता है, जो कि सभी गाड़ी वाले को दिक्कत होता है, इसके कारण मतलब बंद कर दिया गया। क्या है यहाँ के व्यवसायियों का मांग? व्यवसायियों का मांग है कि इसको परेशान ना किया जाए, और जैसा लगता है कि सारा पावर इसी लोगों को मिल गया है। गाड़ी का पेपर चेक करेगा, लाइसेंस चेक करेगा, जीएसटी पेपर चेक करेगा, तो समझ में नहीं आ रहा सारा सरकार ने इसी को लगता है पावर दे देता है। और गाड़ी जो है आता है ना, सबसे पहले उसको एंट्री करवाने के लिए रोका जाता है, घंटों उसमें समय लगा रहता है, जिसकी वजह से गाड़ी वाला भी यहाँ आना नहीं चाहता। अच्छा, ये सब यहाँ का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से व्यवसायी ने बंद कर दिया। जब तक वार्ता नहीं होगी बाजार नहीं खुलेगा। क्या नाम हो आपका? मेरा संतोष। भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास, बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास, बंगाल गोल्ड टी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।